मुझे जाना है मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या चाहिए? तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो अचानक से आके? क्या मर्द का दर्द इस आदमी ने मुझे दीवानी बोला। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी ये है एक मिक्स व्लॉग। काफ़ी दिन से मैं नहीं बना रही थी व्लॉग, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक तो मेरी कज़न की शादी थी तो उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने का एक्साइटमेंट, बाकी फिर घर के इतने काम होते हैं तो उस वजह से बिल्कुल भी एक हफ़्ता मुझे टाइम नहीं मिला। और आज जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जी यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों का लंच। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, इसी के अंदर मलाई थी। मलाई क्या हो रहा, थोड़ा सा वो लंप आ गया था तो मैं अच्छे से उसको बीट कर रही थी। उसके अंदर मैंने नमक और ऑर्गेनो डाला और यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर ऑयल प्लस बटर, क्योंकि डायरेक्ट आप बटर डालोगे ना तो आपका एकदम से जलने लगेगा और बटर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, ऑयल डालती हूँ फिर उसके बाद बटर डालती हूँ। तो मैं ग्रेट कर रही थी पर वो हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने क्या करा, एक फोक लिया और बटर को फोक के अंदर पियर्स करा और फिर ऐसे ही मैं क्या कहते हैं ना, स्प्रेड कर लिया मैंने बटर। तो जी बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ब्रेड के स्लाइसेस ले लूँगी, डिप करूँगी और तवे पे डाल दूँगी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी ब्रेकफास्ट लगता है, ये लंच लगता है। बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेस्टी, क्योंकि इसके अंदर मलाई है, बटर है, ऑर्गेनो है, नमक है, वो नमकीन नमकीन से चीज़ी चीज़ी से बहुत ही अच्छे लगते हैं ये स्लाइसेस। तो वो अक्सर क्या करते हैं ना, मेरे लिए भी आसान हो जाता है कि चलो जल्दी से, किसी दिन लेट हुई ना तो मैं फिर इस टाइप से उनको लंच बना के दे देती हूँ। और बस यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया था, अर्श को मैं रेडी कर रही थी, बट अर्श बस अपने ही, मम्मा मैं सॉस लगा लूँ, मम्मा इसके साथ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इतना लेट करता है स्कूल जाने से पहले। तो इसलिए मैं तो इनको ना डेढ़ घंटे पहले, क्योंकि आधा घंटा तो ये उठने में लगाएंगे, 15-20 मिनट इनके ऐसे ही लगते हैं उठने में, और फिर उसके बाद बस नखरे रेडी होना वगैरह वगैरह। पापा भैया को स्कूल छोड़ने गया। हेलो मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम सुबह सुबह उठे और चल दिए, मेरे हस्बैंड गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने और मुझे जाना है मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बच्चों के आने तक मैं आ जाऊँगी इंशाल्लाह। और मौसम देखिए किस कदर, मतलब इतनी धुंध हो रही है ना, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, बहुत कमी से ऐसा होता है, पर यस ऐसा हो रहा है। क्या हो हानिया? मैंने हानिया को भी पैक कर लिया हिजाब वगैरह पहना के, ताकि कानों में हवा ना लगे, जैकेट है ना हानिया। चलो हम इतने आगे तक चलते हैं, हम पापा के साथ जा रहे हैं ना, पापा वहीं पर आ जाएंगे। और जी बस यहाँ पर मैं हस्बैंड के साथ निकल गई थी, वो ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई, जब हम स्कूल वगैरह जाते थे इतने सुबह और वो ठंडी ठंडी, मतलब ऐसा लगता था ना सुबह सुबह की ठंडक। और बस मुझे मतलब वो अंदर से एकदम पुरानी बातें याद करके वो घबराहट सी भी हो रही थी। मतलब एक होता है ना कि आपको कुछ चीज़ सोच के अंदर से घबराहट या खुशी होती है, तो वो चीज़ हो रही थी। वो इतना ठंडापन लग रहा था ना जाते हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और जी बस मैं यहाँ पर पहुँच गई थी घर पर, और मम्मी की तबीयत मतलब ऐसी, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना तो उस वजह से थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई मम्मी की। तो तबीयत तो क्या, मैं देखने आती हमारी मम्मी, देखो यहाँ पर जल्दी से नाश्ता बनाना। और पापा एक दिन पहले निकले थे ना दिल्ली के लिए, पापा दिल्ली गए, मेरी कज़न की शादी थी तो सब कुछ पैक करके दिया मम्मी ने, खाना वाना उनको रास्ते के लिए सफ़र के लिए, तो वही शामी कबाब थे। तो मम्मी ने सुबह को मेरे लिए बनाए चाय वगैरह, मतलब इतना मुझे मज़ा आया। मैं मम्मी से कह रही थी, मैंने कहा मम्मी मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे के आई हूँ, और मुझे खुद का याद आ गया जब स्कूल जाते हुए मम्मी हमें मतलब नाश्ता देती थी, यहाँ बैठ के खाओ ना माँ के घर जाके तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो खैर बस यहाँ पर मैं वापस आ गई थी, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी क्योंकि बच्चों को भी वापस आना था, बच्चों का हाफ डे था, और मैं जल्दी वापस आ गई थी। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क।
तो बच्चों को देख के हानिया का भी दिल करता है कि वो कुछ लिखे इंशाल्लाह, अगले साल उसका भी मैं एडमिशन कराऊंगी। और वो खुद तो कुछ करती नहीं है, इस तरह स्क्रिबल करेगी और फिर अरहम वर्ष कुछ वर्क कर रहे होंगे ना, तो उनके पास जा जाके उनको डिस्टर्ब करती है, मतलब देखने के लिए कि वो क्या ड्राइंग कर रहे हैं, क्या वर्क है, बिल्कुल ही घुस गई है। अरहम को नहीं भी दिख रहा है, पूरा देखो उसके अंदर जाके। तो इसको इस तरह इंटरेस्ट आता है कि भैया क्या कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इंटरेस्ट से ज़्यादा मतलब वो क्या करती है ना, मौका लगा के पेपर वगैरह खा लेती है। और ये देखिए इसके नखरे, ये अपने भाइयों को देख देख के क्या क्या सीखती है। इससे टूट जाएगी ना, क्या चाहिए तुम लोगों को मेरे से? क्या चाहिए? तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो अचानक से आके? क्या हो गया? और कसम से इतने गजब के दबा रहे कि मुझे वाकई में बहुत मजा आ रहा है। और हम हाँ ठीक है, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, बहुत मजा आ रहा है। मेरे हम दोनों की सेम ख्वाहिश। क्या ख्वाहिश है? कौन को छोड़ के अर्श की हो या मेरी? पैर दबाना नहीं, रुकना चाहिए। मेरी एक ख्वाहिश है जी, आपकी। कितने मतलबी इंसान हो तुम। मैं हानिया को सुला को ट्रिपल गोल्ड करने के लिए पहुंच गया। अब मुझे खेलने के लिए इस टाइम में 15 मिनट ही भेज दो, बस 15 मिनट। मेरे पैर दबा के कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो आपके पापा के पैर दबाने पड़ेंगे, है ना जान? क्या दबाने? पहले आपका जब नंबर खत्म होगा तब सेकंड नंबर पापा का है। पहले नंबर पे पापा आते हैं हमेशा, याद रखना। मर्द को दर्द नहीं होता तो पापा को दर्द नहीं हो रहा, तो पापा के पैर भी नहीं दबाएंगे। तो दर्द हो गया, जाओ उस मर्द को बुला के लाओ जिसे दर्द हो। अरहम आओ, हंस रहा है बदतमीज आदमी, हमें लग रहा है रो रहा है। अभी तो कहते मर्द को दर्द नहीं होता, इस मर्द को दर्द क्यों हो गया जान? अभी नहीं हुआ वो मर्द, अभी बच्चा है। चलो औरत को जो दर्द हो रहा है वो तो पूरा कर दो, दबा तो दो। क्या क्या है? क्या वही जो गाना रहा? कौन सा? एनिमल का गाना है, दिल छोटा सा। छोटी सी आशा, ये हमारी आशा नहीं तो हमें छोटी सी अरम। इस आदमी ने मुझे दीवानी बोला। और जी बस यहीं तक का था मेरा ये व्लॉग, और कुछ क्लिप्स मैं अपनी बहन की शादी की इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़रूर से देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।